नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। 16 सोमवार यानी संकट सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 16 सोमवार व्रत से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में बताया था। पर कोई भी व्रत उसकी पूजन विधि के बिना अधूरा होता है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस व्रत की पूजन विधि के बारे में ही जानकारी देने वाली हूँ। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग शिवलिंग की पूजा करना बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं, यह वीडियो उनके लिए जरूर ही उपयोगी साबित होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संकट सोमवार व्रत पूरा करने का संकल्प लें। सुबह पूजा करने के लिए किसी शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। इस व्रत के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है। कच्चे दूध में शहद, चीनी, घी, दही और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बनाएं। याद रखें, भगवान शिव के लिए बनाए गए इस पंचामृत में तुलसी का पत्ता भूलकर भी ना डालें। सबसे पहले शिवलिंग पर अभिषेक के लिए गंगाजल मिलाकर जल चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और फिर वापस शुद्ध जल चढ़ाएं। अब शिवलिंग का श्रृंगार करें। चंदन से त्रिपुंड यानी तीन रेखाओं वाला तिलक बनाएं। चावल लगाएं, नीले अपराजिता के फूल या आंकड़े के फूल, बेलपत्र, धतूरा, प्रसाद, फल या जो भी पूजा की सामग्री आपके पास मौजूद है वह पूरी श्रद्धा से चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के बाद माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें। इसके बाद लच्छे यानी मौली का एक लंबा टुकड़ा लें, जिसके दोनों सिरों पर मेहंदी लगाकर भगवान शिव और पार्वती जी का गठबंधन करें। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, पूजा करने के बाद 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। अंत में घी के दीपक से भगवान शिव की आरती उतारकर प्रसाद दूसरों में बांटें। याद रहे कि प्रत्येक सोमवार पूजा करने का समय एक ही रखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।